बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7.7 पार्ट बी। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मास 1000 ग्राम स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। फाइंड नंबर 1 द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक, नंबर 2 द डेंसिटी ऑफ वुड। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो है 7.7, क्वेश्चन नंबर 7.7 पार्ट ए, इस नाम से वीडियो अपलोड की गई है। उसमें ये जो सवाल है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसकी साइड्स गिवन है और उसका जो मास है वो गिवन है, उसे हमने डिटेल में डिस्कस किया। और साथ में हमने इस क्वेश्चन का पार्ट वन या पार्ट ए, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक, वो हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं डेंसिटी ऑफ वुड। अगर मैं रफ स्टार्ट करूं तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास मालूम होना चाहिए और वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मास गिवन है, मास 1000 ग्राम है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ मास, ये मास एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है 1000 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि इस 1000 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 1, और ग्राम को किलोग्राम में लिखा जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास उस वुडन ब्लॉक की 3 साइड्स गिवन है, 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। सो तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, लेंथ, विड्थ और हाइट को 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। सो 20 को जब 100 से डिवाइड किया जाएगा तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह 7.5 को 100 से डिवाइड करते हैं, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी 7.5 सेंटीमीटर है, जब इसे 100 से डिवाइड किया जाएगा तो ये सेंटीमीटर भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है, मैं पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, 10 यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म, 10 यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस 0 से मैं 0 कैंसिल करता हूँ। न्यूमरेटर में मेरे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 75 से, पॉइंट तो ख़त्म हो गया 75 से, और फिर मल्टीप्लाई करूँगा 75 से। जब इस 2 को 75 से और फिर 75 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से है, 11,250। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बनता है 100, 100, 100,000। मीटर, मीटर और मीटर, 3 मीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये मीटर का क्यूब बनेगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब की फॉर्म में होता है। सो अब हम डेंसिटी फाइंड करते हैं। हमें मालूम है जो डेंसिटी है दैट इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास हमारे पास मौजूद है 1 kg, सो 1 kg इस मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम मेरे पास ये मौजूद है 11,250 डिवाइडेड बाय 100,000 क्यूबिक मीटर। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है
इसका न्यूमरेटर एक नंबर है और इसका डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, सो इस फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है 1 kg मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, जब इसे सिंपल अंदाज में लिखूंगा तो ये जो फ्रैक्शन है ये इन्वर्ट हो जाएगी, 100 100,000 न्यूमरेटर बन जाएगा, 100 100,000 न्यूमरेटर बन जाएगा और 11,250 ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। केजी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एम रेस टू पावर 3 है, जब इसे न्यूमरेटर में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा एम रेस टू पावर माइनस 3। जब आप इस नंबर को 11,250 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 888.89 केजी पर क्यूबिक मीटर, ये रिक्वायर्ड डेंसिटी है।